कोल्हापुर का दूध सार, मीठा नहीं नमकीन। और कोल्हापुर के 50 किलोमीटर बाहर एक जगह है राधा नगरी, राधा नगरी में बनता है ये दूध सार, बहुत स्पेशल है। उसके लिए धनिया, ये तिल, ये बड़ी इलायची, काली मिर्च और कोपरा, ये सारे मसाले तवे पे। तवा जो था मेरे बचपन का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि दादी को देखा था हमेशा ऐसे तवे पे ऐसे रोटी लेती थी और कभी कपड़ा वपड़ा नहीं उसके, ऐसे हाथ से चलाती थी, हाथ से पलटती थी, तो हमें लगता था इसमें क्या है। मैं जाता था किचन में और ऐसे रोटी बनाने की प्रैक्टिस करता था तवा ऑन करके, तो कभी यहाँ पे निशान, कभी यहाँ पे निशान, कभी यहाँ पे निशान। तो उसके बाद जब स्कूल जाते थे तो बच्चे मजाक उड़ाते थे। एक बार पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, तो उसे मेरी टीचर ने मेरी मम्मी से पूछ लिया कि ये घर पे काम बहुत करता है क्या आप लोग, मतलब बच्चों से इतना काम मत कराया करो, जब भी आता है तो हाथ जले होते हैं। उस दिन से मेरा किचन में घुसना बंद हो गया। चलो जी, अब बस मसाला रेडी है, अभी पीसना है इसको। बस एक साबुत लाल मिर्च डालनी है उसमें, ये गई लाल मिर्च, बस हल्का सा भूनना है। अच्छा, अब इस मसाले को सिलवट्टे पे पीसना है, हल्का सा पानी डाल के सिलवट्टे पे पीसना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट ना हो लेकिन दरड़ा दरड़ा पेस्ट जरूर हो जाए। सिलवट्टा भी एक ऐसी चीज है जिससे मेरी दोस्ती बड़े टाइम में हो, गलती सारी मेरी दादी की थी। पहले वो सिलवट्टे पे ना दांत बनाने वाला आता था, तो महीने में एक बार आता था, तो पहले तो दादी ने मुझे बड़े शौक से सिलवट्टे के साथ खेलने दिया, फिर उन्होंने देखा कि मैं क्या करता हूँ, सिलवट्टे को घिस देता हूँ, दांत सारे मर जाते हैं, पिस्ता कुछ नहीं है। उनको पता था कि भाई सिलवट्टे पे दांत लगाने वाला आने वाला है, तो उसके 6-7 दिन पहले मुझे जो मर्जी करना होता करने देते थे, लेकिन जब नया नया दांत लगा सिलवट्टा होता था, पहले 2-3 हफ्ते मैं टच नहीं कर पाता, वरना सारा सिलवट्टा प्लेन हो जाता। लेकिन ये अगर दादी देखती ना तो बड़ी खुश होती। ऐसे हुई हमारी सिलवट्टे के साथ दोस्ती। दूध सार की कहानी यूं है कि कोल्हापुर से 50 किलोमीटर पहले गांव है राधा नगरी। बहुत सारे ट्रेडर्स यानी व्यापारी कोल्हापुर आते थे। अब कोल्हापुर अपने नॉन वेजिटेरियन मराठा खाने के लिए मशहूर। धीरे धीरे बहुत सारे व्यापारी जो राधा नगरी में बसे, एक संस्कृति शुरू करी जो कि वेजिटेरियन खाने की। दूध को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक बढ़िया सी नमकीन डिश बनाई। तो ये थी दूध सार की कहानी। ये जरूरी है, आलू सारे काले पड़ जाएंगे, आलू काले पड़ जाएंगे तो दूध काला पड़ जाएगा, दूध काला पड़ जाएगा तो चीज वैसी नहीं बनेगी जैसी आप चाहते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज, सब तैयारी हो गई। प्रभु का नाम लेके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तेल में प्याज, अच्छा प्याज की जो है वो हींक मारनी है, हींक मतलब जो एक कच्चापन जो है वो खत्म करना है, और हल्की सी मिठास जैसे निकल आएगी वैसे ही मामला तैयार। रंग नहीं देना प्याज को। बस आलू की एक बार भाप निकाल दी, यानी कि हल्का सा उसको 30% पका लिया, उसके बाद ये कोल्हापुरी मसाला डाल दिया। तो कोल्हापुरी मसाले में बेड़गी मिर्च, रंग वाली मिर्च, खसखस, तिल, काली मिर्च, मेथी, सौंफ, जीरा, धनिया, नारियल, तो इस सब का पाउडर बना के ये मसाला बनाया। और अब ये जो हमारे मसाले का पेस्ट हमने बनाया था ना, वो सिलवट्टे से दोस्ती करने के बाद, वेरी नाइस, इट्स ब्यूटिफुल। अब मजे की बात यह है कि राधा नगरी में ना इस दूध सार में कच्चा दूध जाता है, एकदम भैंस का ताजा ताजा धुआ हुआ दूध, और उसमें ऐसे मलाई आ जाती है ऊपर, देखने वाली चीज होती है। आलू गल गया मतलब सार तैयार।
तो पहले तो एक कटोरी में दूध सार। हाँ एक चीज और, नमक मत डालिएगा, नमक डालेंगे तो दूध फट जाएगा। अच्छा इसके साथ में ये कोल्हापुरी मसाला और इसके साथ में नमक, नमक हमेशा साइड में। तो इसको ऐसे सर्व करते हैं, साथ में एक खाली ग्लास होता है और साथ में भाखरी होती है। पहले ये पूरा दूध निकाल के ग्लास में डाल लेते हैं, उसके बाद जो आलू बचता है उसको भाखरी के साथ खा लेते हैं। घर सा यमी।